नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं LG 21 इंची का कलर टीवी लेकर आया हूं। इसमें फॉल्ट ये था कि ये टीवी को जब मैं इसमें 250 वोल्टेज देता था तो ये टीवी ऑन हो करके सीधे स्टैंड बाई मोड में हो जाता था। तो इसमें यही समस्या था, लेकिन स्टैंड बाई मोड में हमेशा रहता था। जब इसको मैं इस बटन को पुश करता था तब ये स्टैंड बाई मोड से रिलीज हो करके फिर स्टैंड बाई मोड में हो जाता था। लेकिन ये 5 मिनट 5 सेकेंड 10 सेकेंड कोई इसका फिक्स नहीं था कि ये कितना मिनट में कितना सेकेंड में ये स्टैंड बाई मोड में हो जाता है। तो इसमें क्या मैं किया था, इसमें क्या समस्या था, मैं आपको बताऊँगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इस टीवी को बना चुका हूँ, इस टीवी ओके है। और मैंने इस टीवी को कैसे बनाया, तो देखिए इसमें कंडेंसर लगा हुआ है जो 1025 वोल्टेज का कंडेंसर लगा हुआ है। और इसको मैंने चेक किया तो इस कंडेंसर को मैंने बीमारी नहीं पाया। लेकिन जब भी आप इसको स्टैंड बाई मोड बीमारी आपको मिले तो आप क्या करें, इसको चेक न करें, सीधे इसको नया बदल कर देख लीजिए। यदि इससे समस्या नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं दूसरा में ले चलता हूँ आपके बीमारी को लेकर के कि कहाँ देखना। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है जो इसका कलर है ब्राउन, रेड और सिल्वर कलर का, दो इस पर लकीर बना हुआ है। और तो इसको चेक करिए, लेकिन इसमें ये समस्या होता है आप इसको चेक ना करिए, डायरेक्ट इसको दूसरा लगा दीजिए। और कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे आप, सीधे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि जब ऐसे समस्या आती है तो इस रेजिस्टेंस जब लगाएंगे दूसरा तो शायद आपका काम ना हो सके, इसलिए बता रहा हूँ। तो सीधे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाइए। तो एक नंबर ये बता दिया हूँ, दूसरा नंबर ये बता दिया हूँ। और एक और फॉल्ट, यदि आपका बीमारी फिर भी नहीं ठीक हुआ तो इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर आप देखिए। तो आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है तो आपको इस वीडियो को देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो आप सीधे एंड स्क्रीन पे चले आइएगा, देख लीजिएगा। तो इसको मैं बताऊंगा, इसको बताऊंगा उस वीडियो में। लेकिन ये जो और आगे बढ़ रहा हूँ मैं सीधे, यदि इसको चेंज करने के बाद नई बीमारी ठीक हुआ है तो आप क्या करें, ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी लगाकर चेक कर लीजिए। और इसके बाद आपका बीमारी नहीं ठीक हुआ तो ये जो है क्रिस्टल जो लगा हुआ है इसको लगाकर चेंज करके देख लीजिए। तो यदि आपका बीमारी फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो ये भी इसको चेक कर लीजिए, ये कहीं ट्रांजिस्टर, ये जो आईसी है, ये 4 पिन का आईसी है, इसको निकाल कर चेक कर लीजिए और फिर से आप नया लगा सकते हैं। यदि फिर भी आपका बीमारी नहीं ठीक हो रहा है टीवी में तो क्या करेंगे, इस टीवी को पलट दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे पिन नंबर 33 लिखा हुआ है, आईसी का नंबर है। और इस पर हम देख रहे हैं कि ये आईसी का ऐसे मार्का बना है, तो हम यहाँ से गिन रहे हैं, यहाँ से तो ऐसे गिनते गिनते इधर आ गए। और जब इधर आए तो 33 34 35 36 37 नंबर जो पिन है आईसी के, इस पर वोल्टेज चेक करिएगा। यदि इस पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कब चेक करेंगे इसको, हम इस पिन को हम ओपन कर लेंगे, इस पिन को हम ओपन कर लेंगे, 37 पिन नंबर जो है इस पे जो लिखा है पावर, इसको हम ओपन कर लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है, जिस टीवी को हम बटन से रिलीज करते हैं, उस बटन को हम एक बार पावर देकर इसको हम ऐसे एक हाथ से इसको पकड़े रहेंगे। और इस पर हम मीटर लगा करके मीटर का काला पोल को ग्राउंड लगाएंगे, लाल पोल को हम यहाँ पे लगाएंगे इसके 37 नंबर पिन पे, इसके 37 नंबर पिन पे हम लगाएंगे।
और लगा कर इसको हम कब चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पे, जब इसको हम इस पुश बटन को दाबेंगे, जब हम इस पुश बटन को दाबेंगे यहाँ पे जो पुश बटन लगा हुआ है ये वाला, जो ये पुश वाला बटन जो लगा हुआ है इसको जब दाबेंगे तो यहाँ हम वोल्टेज चेक करेंगे। उस समय जब दाबेंगे तभी चेक करेंगे, तब हल्का सा यह करंट निकलेगा 3.3, तो समझिए ये आईसी सही है। यदि ये आईसी 3.3 वोल्टेज नहीं निकाल रहा है तो समझिए ये आईसी ख़राब है। और यही इसका चेक करने का विधि है। तो लास्ट में आईसी को चेंज कर सकते हैं ये बीमारी हो तो। अब यदि ऐसे वीडियो को मैं बनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है पावर सप्लाई में, ये सप्लाई में जो लगा हुआ है इसका जो कलर कोड है ब्राउन, रेड और चांदी कलर का दो है। तो इसको हम जब पावर को ऑन करते हैं तो वोल्टेज जब जाता है एसटी पर तो क्या करता है, ये दब जाता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये डाउन होकर के सीधे स्टैंड बाई मोड में आ जाता है टी वी ए। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको हम 1 ओम से लगा देंगे, या तो इसको हम डायरेक्ट निकाल करके यहाँ से हम जंपर मार देंगे और आपका टी वी बिल्कुल ओके हो जाएगी। और इसमें कुछ करना नहीं है। यदि इस हालात में आपका टी वी सही नहीं हो रहा है तो इस जो एक ट्रांसफर लगा हुआ है इसको और इसको बाहर कर देंगे, तभी आपका टी वी चलेगा, तभी आपका टी वी चलेगा। यदि ये ऐसी सही रहेगी तो आपका टी वी चलेगा, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे टी वी में वोल्टेज देंगे तो बिन बटन दबाए, ये बिन बटन दबाए आपका टी वी ऑन हो जाएगा। तो ये है इसका फॉल्ट सोल्यूशन, आप इसे से चेक कर सकते हैं, ऐसे बीमारी को आप सही कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए भाई इसमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर पड़ेगा। अब ये जो वोल्टेज है देखिए यहाँ पे एक नंबर पिन है और ये 2 नंबर पिन है इसका एसटी के। तो यहाँ पे हम प्लस बी वोल्टेज, प्लस बी यहाँ जो वोल्टेज आता है 110, 112, 113 वोल्टेज आता है। ये जब आता है कब, यहाँ से आता है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा आता है। ये जो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा था, जिसका कलर कोड बता रहा था, तो यहाँ से आ कर के और सीधे जंपर होते हुए सीधे एसटी पे सीधा पहुँच गया है, ये पहुँच गया है। यदि हल्का से ये लूज होगा, हल्का से डाउन होगा तो टी वी ऑन नहीं होगी, स्टैंड बाई मोड में फिर आ जाएगा। टी वी ऑन होकर के स्टैंड बाई में मोड में आ जाएगी टी वी ए। तो इसे यही है कि इस पर पहले इसको सोल्डरिंग करके चेक करके देख लीजिए, सोल्डरिंग कर लीजिए इसको फिर से दोबारा, शायद सही हो जाए, यही सही हो जाए। नहीं हो रहा है तो सीधे आप जंपर मार दीजिए इस पर और टी वी आपका सही हो जाएगा, और कुछ मिस करना नहीं है। मैं टी वी को देखिए किस प्रकार रिपेयरिंग किया हूँ, और यहाँ देखिए इसको रिजिस्टेंस सब कुछ मैं चेक कर लिया हूँ, लेकिन बीमारी नहीं मिला था, और बीमारी मुझे मिला ही नहीं क्योंकि इसमें डिसऑइल का समस्या था ये। अब मैं ले चलता हूँ सीधे टी वी के आगे स्क्रीन पे, आपको दिखाना चाहता